गाइस, hey मेरा नाम है अनुभव वेलकम टू बायोलॉजी एड और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा एंड एज ऑलवेज वीडियो बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक साथ ही में डाउट्स भी क्लियर करते चलेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर बिना देर करें लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहली बात किंगडम प्रोटेस्टा में हम जितने भी डिस्कस करेंगे उन सब में तीन कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्या है वो तीन कैरेक्टर्स पहला कि ये सब ही यूनिसेल्यूलर होंगे दूसरा कि ये यू कैरियोटिक होंगे रिमेंबर फाइव किंगडम्स इन फाइव मिनट्स वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट आपको ये कॉमन कैरेक्टर्स रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिंक कमेंट्स में पिन है चलिए थर्ड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर्स प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं अब एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर होंगे या मरीन वाटर ये डिफर कर सकता है लेकिन एक्वाटिक होंगे मरीन वाटर मतलब जो सॉल्टी वाटर खारा पानी होता है और फ्रेश वाटर मतलब जो सॉल्टी नहीं होता है तो अभी आगे चल के हम देखेंगे कि कौन से किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर्स फ्रेश वाटर हैं और कौन से मरीन वाटर इसके अलावा प्रोटेस्टा के कुछ मेंबर्स में फ्लैजला या सिलिया भी प्रेजेंट होता है तो जिनमें प्रेजेंट होगा वो किसी न किसी तरीके का मूवमेंट या लोकोमोशन शो कर पाएंगे फिर आपकी एन बताती है कि किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ मेंबर्स रिप्रोडक्शन ये सेक्शुअल मोड से करते हैं और कुछ सेक्शुअल यानी सेल फ्यूजन होगा और जाइगॉट का फॉर्मेशन होगा तो ये बात हुई जनरल कैरेक्टर्स की इसके अलावा एनसीईआरटी हमें इस किंगडम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है कि किंगडम प्रोटेस्टा एक लिंक है बिटवीन किंगडम्स डीलिंग विथ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई यानी कि इस किंगडम में आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखोगे जो प्लांट के कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं कुछ ऐसे जो एनिमल्स और कुछ फनजाइट या फिर ऐसे जो प्लांट्स और फंजाई दोनों जैसे कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं तो अभी जैसे जैसे हम ये किंगडम पढ़ेंगे वैसे आपको इस लाइन का मतलब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा नाउ प्रोटेस्टा के अंदर हमें पांच तरीके के ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है क्राइस्ोफाइट्स डायनोफ्लैजेट्स यूग्लिनोइ्स मोल्स एंड प्रोटोजोन्स तो एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की बेसिकली क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एलगी या डेस्माइट्स आते हैं ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों ही एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं और ये प्लांटन्स होते हैं प्लैंकटन्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करेंट्स में पैसिवली फ्लोट करते हैं यानी कि जिस तरफ पानी का बहाव होगा उसी डायरेक्शन में ये बहते जाते हैं अब ज़्यादातर क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं इनफैक्ट एन हमें बताती है कि डायटम्स जो क्राइसोफाइट्स का एक टाइप है वो ओशन में चीफ प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करते हैं यानी ओशन में प्लांट्स के बजाय डायटम्स मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं इसके बाद एनसीईआरटी हमें डायटम्स के बारे में ही बताती है एन सी में गोल्डन एल्गी या डेस्माइट्स के बारे में कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है लेकिन डायटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में एनसीआरटी कहती है कि ये सोप बॉक्स जैसे दिखते हैं यानी इनकी सेल वॉल्स दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो वॉल्स हैं ये सिलिका से बने होते हैं और ये सिलिका ही इन्हें इनडिस्ट्रक्टेबल बनाता है अब इस ही इनडिस्ट्रक्टेबल प्रॉपर्टी को हम ह्यूमंस अपने काम में लाते हैं जिसे एनसीईआरटी डिस्कस करती है अंडर द टॉपिक डाय एटोमेशियस अर्थ तो बेसिकली एटम्स की सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल होने की वजह से ये तो मर जाते हैं लेकिन इनकी सेल वॉल इनके हैबिटेट में डिपॉजिट होती चली जाती है इस ही सेल वॉल के एक्ूमुलेशन को डाय अर्थ कहते हैं और क्योंकि ये ग्रिटी यानी ग्रैनुलर सा होता है इसका यूज पॉलिशिंग में और ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में होता है क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनो की नाउ ये केवल मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं जबकि अभी हमने जो क्राइसोफाइट्स डिस्कस किए थे वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते थे लेकिन क्राइसोफाइट्स की तरह ही डायनो भी फोटो ही होते हैं इनकी सेल वॉल काफी स्टिफ सेल्यूलोस प्लेट्स की बनी होती है अब एज द नेम सजेस्ट्स डायनोफ्लैजलेट्स में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक फ्लैजिला इनका लॉन्गिट्यूडल होता है और दूसरा ट्रांसफर्सली लाई करता है इन बिटवीन वॉल प्लेट्स नाउ इंटरेस्टिंग बात डायनोफ्लैजलेट्स की यह है कि ये अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनके सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल गोनैक्स एक रेड डायनोफ्लैजलेट है जो बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और सी के सरफेस को ऐसे कवर कर लेता है कि सी का पानी लाल दिखाई देने लगता है इस फिनोमिना को रेड टाइड्स बोलते हैं ये देखने में आपको फैसिनेटिंग लग सकता है लेकिन इतने सारे गोनेलैक्स जब मिल के पानी में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं तो रेड टाइड्स की वजह से काफी सारे मरीन एनिमल्स जैसे कि फिशेस को बहुत नुकसान पहुंचता है और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो ये तो बात हुई डायनोफ्लाजिलेट्स की ये तो ईजी था राइट तो चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स पे यूग्लिनॉइड्स मोस्टली स्टेगनेंट फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो अनलाइक क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैज यूग्लोनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती उसकी जगह दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है यूग्लोनॉइड्स में दो फ्लैजिला होते हैं एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो ये शो करते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये टर्म मिक्सोट्रॉफिक आपकी एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया है लेकिन एनसीईआरटी बताती है कि वैसे तो यूग्लिनोइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस शो करते हैं लेकिन डार्क में जब सनलाइट इन्हें नहीं मिल पाती तब ये हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं बाय प्रिडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गनिज्म तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नाम दिया गया मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाउ, में जो पिगमेंट होते हैं वो हाईअर प्लांट्स में पाए जाने वाले पिगमेंट से आइडेंटिकल होते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यूग्लोनॉइड्स कुछ प्लांट्स जैसे फीचर्स शो करते हैं और कुछ एनिमल्स जैसे जैसे कि हेड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना तो इसलिए यूग्लोनॉइड्स को हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक मानते हैं यूगलिनोस का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इजी है युगलीना ये टाइप किया हुआ है तो इटैलिक्स में है आप हाथ से लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे और युगलीना जीनस नेम है तो ई e कैपिटल लिखा जाएगा नॉमन क्लेचर के रूल्स के हिसाब से राइट right? चलिए अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स इस टॉपिक से कुछ बच्चों को कॉमन डाउट्स आते हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगी तो ध्यान से सुनिएगा अब तक हमने जितने भी प्रोटेस्ट्स पढ़े क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट्स यूग्लेनोइड्स ये सब ही फोटोसिंथेटिक थे लेकिन स्लाइम मोल्स पहले ऐसे प्रोटेस्ट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं बल्कि सैप्रोफिटिक होते हैं सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑप्टेन करना नाउ बहुत से बच्चे स्लाइम मोल्ड्स को कंफ्यूज करते हैं विथ फंजाई तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्लाइम मोल्ड्स प्रोटेस्ट हैं हां ये कुछ फंजाई जैसे फीचर्स शो करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन सा फीचर है जो फंजाई से रिजेंबल करता है लेकिन स्लाइम मोल्ड्स एक्चुअल मोल्ड्स या फंजाई नहीं होते बल्कि इनको फॉल्स फंजाई कहा जाता है अब स्लाइम मोल्ड से हम सब एक सीख ले सकते हैं चाहे कंडीशंस जैसी भी हो स्लाईमोल्ड सर्वाइव करने का रास्ता खोज ही लेते हैं आइए देखते हैं कैसे अगर कंडीशन सुटेबल हो तो स्लाईमोल्ड एक एग्रीगेशन बनाते हैं यानी इकट्ठे हो जाते हैं और उस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो देखते हैं क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है एक तरीके के सेल्स कुछ स्पेशलाइज फीचर्स डेवलप कर लेते हैं तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता है और बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज इन फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स फॉर्म होते हैं और यहां से इन स्पोर्स को एयर में डिस्पर्स कर दिया जाता है स्पोर्स की खासियत यह है कि ये पोजेस करते हैं ट्रू वॉल्व जो इनको बनाती है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ताकि ये उन अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकें अब ये स्पोर्स हवा में रहते हैं और जहां भी सूटेबल कंडीशंस इनको मिलती है वहां ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर वापस से प्लाज्मोडियम बना लेते हैं क्लियर अब स्लाइम वोल्स का कोई एग्जाम्पल एनसीआरटी में नहीं दिया गया है तो अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल है फाइसरम नाउ फाइनली आ जाते हैं हम लास्ट टॉपिक पे इज़ दोटोजो और इस टॉपिक के बाद मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट डाउट डिस्कस करूंगी तो डू वॉच द वीडियो टिल दी एंड क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लेट्स गेट बैक टू प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स सारे प्रोटेस्टा में सबसे ज्यादा बदनाम होते हैं क्यों क्योंकि प्रोटोजोन्स के कुछ मेंबर्स बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं तो बेसिकली प्रोटोजोन्स हेड्रोट्रॉप्स होते हैं या तो ये प्रिडेशन करके या फिर पैरासिटिक होके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं प्रोटोजोन्स में कुछ ऐसे फीचर्स देखना शुरू हो जाते हैं जो एनिमल्स से रिजेंबल करते हैं जैसे कि इनके सेल्स में वॉल एबसेंट होती है तो इसलिए हम प्रोटोजोन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं प्रोटोजोन्स में हमें चार मेजर ग्रुप स्टडी करने हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोन्स सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स सबसे पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पे ये काफी अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में मिल जाते हैं चाहे फ्रेश वाटर हो मरीन हो या मॉइस्ट सॉयल यानी गीली मिट्टी में भी हमें ये मिल जाते हैं अब देखिए आपको अमीबा के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा तो बस अमीबॉइड प्रोटोजोन्स वही हैं आपने पढ़ा होगा स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट के बारे में होता क्या है कि अमीबा अपना फूड कैप्चर करने के लिए और मूव करने के लिए कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन जैसे फॉर्म कर लेता है जिसको स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट कहते हैं ओके इसके अलावा एनसीईआरटी बताती है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं उनमें हम एक अलग चीज ये देख पाते हैं इनके सरफेस पे सिलिका शेल्स होते हैं लास्टली कुछ अमीबॉयड प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स होते हैं और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है एंट अमीबा का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमंस में अमीबियासिस नाम की डिजीज कॉज करता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है जिससे स्टमक क्रैम्प्स और डायरिया होता है तो आप चाहें तो इसे भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स पे कुछ फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक फ्री लिविंग का क्या मतलब हुआ मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना ही ये पैरासिटिक है ना किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ना किसी सबस्ट्रेट से अटैच है यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच ना होके इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं ये मतलब होता है फ्री लिविंग का ओके okay? फ्लैजलेटेड प्रोटोजो नाम है तो ऑफकोर्स इनमें होगा। उसके अलावा इनके जो parasitic forms होते हैं, वो कॉज करते हैं एग्जाम्पल एनसीआर में दिया हुआ है स्लीपिंग इसमें आप क्लियरली फ्लैजला नोटिस कर सकते हैं अच्छा जस्ट अ क्विक नोट यहां पे फ्लैजिला का सिंगुलर फॉर्म फ्लैजलम होता है तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना ऑल राइट right, अब हम आ जाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हमें एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं ऑफकोर्स सिलिएटेड नाम है तो सिलिया प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं जैसे कि ये एन का पैरामीशियम का डायग्राम है जो कि एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे छोटे छोटे सिलिया यहां पे प्रेजेंट हैं अब यहाँ पे एक और चीज़ लेबल्ड है गलेट गलेट एक तरीके का कैविटी यानी स्पेस होती है जिसके थ्रू पैरामीशियम या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स अपना फूड लेते हैं तो एक तरह से इनके माउथ का काम करता है अब होता क्या है कि जैसा हमने पढ़ा कि ये रहते हैं पानी में तो पानी में ही इनका फूड होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स अपने सिलिया को कुछ इस तरह से मूव करते हैं कि जो पानी है जिसमें इनका फूड भी है वो स्टियर होके गलेट के अंदर चला जाता है क्लियर अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट प्रोटोजोन पे स्पोरोजोवंस और इसमें ही हम वो डाउट डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मैं बात कर रही थी स्पोरोजन्स वो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शन कॉज करने वाली स्पोर लाइक स्टेज होती है तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि स्पोरोजोन्स की लाइफ साइकिल में वो कौन सी स्टेज है जो इन्फेक्शस होती है तो इसको तो आप आंसर कर लेंगे ऑल राइट एग्जाम्पल स्पोरोजोन का दिया हुआ है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आपने सुना होगा जो मलेरिया कॉज करता है अब एक प्लाज्मोडियम हमने स्लाइम मोल्ड्स में भी पढ़ा था तो अब डाउट ये है कि भाई इन दोनों प्लाज्मोडियम में क्या डिफरेंस है क्या कोई डिफरेंस है भी या ये सिमिलर है तो ये दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं आइए देखते हैं कैसे स्लाइम मोल्ड्स के प्लाज्मोडियम की जब हम बात करते हैं तो ये खुद में कोई जीनस नहीं है इसलिए पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि हम इसे नॉर्मली लिखते हैं लेकिन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जीनस है तो इसको हम टाइप करेंगे इटैलिक्स में हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे तो किस तरह से प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है उसी से आप बता सकते हो कि स्लाइम स्लाइमोल्ड की बात हो रही है या स्पोरोजोन की बात हो रही है ऑल राइट right? अब स्लाईमोल्ड जब एग्रीगेट हो जाते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं जबकि स्पोरोजोन्स का प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जब हम स्लाइम मोल्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको प्लाज्मोडियम का डायग्राम भी दिखाया था तो कुछ इस तरीके से ये होता है इसमें आप देख सकते हैं कि ये शेपलेस होता है कोई स्पेसिफिक इसका शेप नहीं होता है उसके अलावा यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है जबकि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम कुछ ऐसा दिखाई देता है इसमें आप देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड शेप भी है और ये यूनी न्यूक्लिएटेड है इसमें आपको एस सच याद करने की कोई जरूरत नहीं है बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ऑल राइट right, अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू सपोर्ट दिस चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन इस लेक्चर का पीडीएफ मैं हमारे बायोलॉजी एड टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप इस चैनल के होम पेज पे जाके बाकी टॉपिक्स के वीडियो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट टाइम स्टे क्यूरियस